अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता से सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। विरविराम पी आपके एग्जाम में आएगा ये, चलिए देखते हैं इसे। अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई एट एनी गिवेन मोमेंट फॉर द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जा रहा है, एक ही टाइम पर, एक ही समय पर गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग का एक साथ निर्धारण करना असंभव है। मींस आपको बताया जा रहा है ये क्या है, एक सर्कुलर पथ है, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इस सर्कुलर पथ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इस सर्कुलर पथ पर इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट मूव करता है कि एक ही टाइम पीरियड पर आप उसकी पोजीशन, उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, दोनों का निर्धारण नहीं कर सकते, मतलब उनकी स्थिति और संवेग दोनों ही अनसर्टेन हैं, अनिश्चित है। क्लियर हुआ, एक सर्कुलर पथ पर जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो सपोज अभी उसका पोजीशन कहां पर है, एक्स वन पर, थोड़े समय पर वो कहां पहुंच जाएगा, यहां पर एक्स टू पर, लेकिन वो इतना फास्ट मूव करता है कि यहां से यहां पर मींस एक्स वन से एक्स टू पर कब आएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसी के लिए हम जो मैथमेटिकल इक्वेशंस जो शो कर रहे हैं वो है डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल देन एच अपॉन फोर पाई, वेयर डेल एक्स एंड डेल पी, यहां पर डेल एक्स और डेल पी क्या है, तो डेल एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, स्थिति की अनिश्चितता, ये आपको स्थिति की अनिश्चितता के बारे में बता रहे हैं। डेल पी क्या है, यहां पर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मींस संवेग की अनिश्चितता। देखिए ये जो हम आपको क्लास दे रहे हैं ये इस तरीके से है कि आप इजी से नोट्स भी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अब आपको याद होगा मोमेंटम इक्वल क्या होता है, तो याद होगा आपको संवेग मींस मोमेंटम इक्वल टू होगा मास इनटू वेलोसिटी। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, चक्कर लगाता है, तो आप देखेंगे उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आता है, उसकी किस में चेंजेस आएगी, वेलोसिटी में, लेकिन उसकी मास में कोई चेंजेस नहीं आएगी। आप अगर यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, मूव करते हैं, तो आपकी वेलोसिटी जो है उसमें चेंजेस आएगी, लेकिन उसके मास में, आपके मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे मास में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो मास के सामने डेल्टा नहीं आएगा, लेकिन वेलोसिटी में चेंजेस आ रही है तो ये हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा वी। ठीक है, अगर आप इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप डेल पी के इक्वल यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, डेल एक्स इंटू एम डेल वी। क्लियर हुआ, अब इस एम को आप नीचे यहाँ शिफ्ट करेंगे तो न्यू इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, डेल एक्स इंटू डेल वी इक्वल देन ग्रेटर देन एच अपॉन फोर पाई एम। क्लियर है, ये यहाँ जो ये साइन है, ये साइन का मीनिंग क्या है, यहाँ पर ये आपको क्या बताना चाहता है, ये आपको बताना चाहता है कि प्रोडक्ट ऑफ डेल एक्स एंड डेल पी
कैन बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू बट नेवर स्मॉलर देन एच अपॉन 4π। मीन्स आपको बता रहा है कि ये जो साइन है ये क्या है, ये जो साइन है ये क्या है, या तो वो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, लेकिन एच अपॉन 4π से कभी भी छोटा नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो ये जो साइन है इसका मीनिंग भी आपको समझना है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और ऐसे ही आपको नोट्स बनाना है।